सिवनी कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन सिवनी में कलेक्टर के निर्देश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सिवनी कलेक्टर ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके लिए पुलिस, नगरपालिका, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है, किंतु ये सभी जिला कलेक्टर के आदेश को दरकिनार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये नज़ारा लखनादौन घनसौर रोड सोसाइटी का है, जहां किसानों को यूरिया वितरण किया जा रहा है। मौके पर मौजूद प्रशासन के सामने लोग बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सिवनी जिले में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आम जनता और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरते नजर आ रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।